शराब पिए चाहे गांजा पिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं। गणपतराव जोशी का नाम गणपतराव बेलवलकर की जिंदगी के किताब के हर एक पन्ने पर लिखा है। उनके बारे में ऐसे अल्फाज, ऐसे गेट आउट। सर एक मिनट बैठकर बात करते हैं, क्या मैटर क्या है? चलिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मत जाइए। यू सर और इडियट, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। चलो रागिनी। सर मेरी बात सुनिए, बैठकर बात करते हैं। सर सर दो मिनट बात सुनिए। मुझे नलू बहुत गलती हो गई। आप पापा अंदर जाइए। नलू को चिल्लाना नहीं था। पापा प्लीज अंदर जाइए। वो आदमी गड़बड़ में। पापा अंदर जाइए। नलू जा रहा हूँ बेटे, बूढ़े बाप पे ऐसे चिल्लाते नहीं है। नहीं पापा वो नहीं, मैं जा रहा हूँ। पापा मैं भला तुमसे क्यों नाराज होने लगा नलू? मैंने अप्पा को यहाँ रख लिया इसलिए। तो तुमने कोई गलती नहीं की नलू, वो तुम्हारा फर्ज है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? कलवंकर साहब बहुत टेढ़े मिजाज के, अपना अपमान भूलेंगे नहीं वो। यू जस्ट डोंट वरी नलू, वो कुछ दिन बॉदर करेंगे तो मैं सह लूंगा। वैसे भी मैं कलवंकर साहब की नाराजगी का आदि हो गया। सुधाकर पहले मुझे लगा था कि शायद भैया भाभी की गलती होगी, पर अब पता चल रहा है कि इन्हें संभालना कितना कठिन है। नंदन ने लिखा था जीना दुभर कर देते हैं ये लोग, गलत नहीं है वो। कम ऑन नलू, आई और बाबा एक अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं। अरे हमारी दुनिया में मेल खाना उनके लिए थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगा ही ना। कार्डो की जान लेने भर से बातें सही नहीं की जा सकती। परसों अप्पा ने गार्ड से 10 रुपए मांगे थे। अप्पा साहब ने गार्ड से 10 रुपए मांगे? अरे उन्हें तो किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहता, चाहे जिससे पैसे मांग लेते हैं कहीं भी अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं, किसी भी गंदे होटल से जो मन करता उठा के ले आते हैं। खैरियत है कि सुभाष और सुशील कॉन्वेंट में है, वरना और आगे पता नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत है नलू कि बुढ़ापा दूसरा बचपन ही तो होता है। वो तो ठीक है, पर इस दूसरे बचपन के लिए आई कहां से लाएं? ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ गंदे पकौड़ों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। और बात तो किसी से ठीक से नहीं करते, बार बार गालियां देते रहते हैं। घर में कहीं भी जा घुसेंगे और क्या उल्टा सीधा करते, इसका कुछ भरोसा नहीं। परसों अलमारी से चंदन का हाथी गायब हो गया, सारा घर ढूंढ मारा और मिला कहां? अप्पा के सिरहाने, बोले मुझे हाथी पसंद है तो मैंने रख लिया। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कौन सा पहाड़ टूट गया नलू? आखिरकार मिल गया ना अप्पा के सिरहाने। सुधाकर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आप कहते नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि कितनी परेशानी है आपको। मुझे लगता है तुम बेकार ही इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो नलू। सुधाकर कुछ दिन पहले मेरे मन में विचार आया था। कैसा विचार? अब तो मैंने निश्चय कर लिया। तुमने निश्चय कर लिया? क्या निश्चय कर लिया तुमने नलू, क्या निश्चय कर लिया तुमने नलू? इन दोनों को बंगले के पीछे बने आउट हाउस में, वहां सर्वेंट क्वार्टर्स है नलू। इतना कठोर निर्णय, और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं करूंगी उनकी देखभाल। लेकिन उसके पीछे आपके सुख और अपनी गृहस्थी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। विठोबा विठोबा आ गया बाहर। पीछे आउट हाउस का कमरा साफ कर लो। अच्छा कल सुबह आई का बिस्तर वहीं लगा, कल से आई अप्पा वहीं रहेंगे, उनका चाय पानी खाना पीना सब कुछ वही होगा, तुम उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। पीछे आउट हाउस मगर उधर तो सर्वेंट क्वार्टर है मैडम।